हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम क्विक 2.0 में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोग के लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों चलिए तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भूपटल का प्रमुख भाग मुख्यतः निर्मित होता है। भूपटल का प्रमुख भाग मुख्यतः निर्मित होता है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन से। दोस्तों, यह एसएससी के क्वेश्चन एसएससी में यह 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भूपटल का प्रमुख भाग जो है मुख्यतः निर्मित होता है ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा एल्यूमिनियम। यानी भूपटल से सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु जो है एल्यूमिनियम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व जो है दोस्तों वह ऑक्सीजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज में नाइट हैं, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला खनिज। यानी ब्रिज में नाइट अगर पूछा जाएगा तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो खनिज है वह ब्रिज माइट है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा तांबा। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा सोना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट अयस्क खनिज है, तो आंसर हो जाएगा लोहे का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट अयस्क खनिज है, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा क्रोमियम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्क्वाइज अयस्क है। टर्क्वाइज अयस्क है दोस्तों, अगर इसका पूछा जाएगा तो आंसर हम लोग का हो जाएगा तांबे का। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तांबे का, यानी टर्क्वाइज अयस्क जो पूछा जाएगा तो वह तांबे का अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैलाकाइट अयस्क खनिज है, तो आंसर हो जाएगा तांबे का। यानी मैलाकाइट अयस्क खनिज जो है वह तांबे का खनिज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्फेलेराइड अयस्क है, तो चांदी का। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्नोटाइट अयस्क खनिज है यूरेनियम का। अगर पूछा जाता है कार्नोटाइट अयस्क किसका है, तो यूरेनियम का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट एक अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का मैग्नीज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा पारा का। यानी सिनेबार जो है वह पारा का अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनाइट अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट अयस्क खनिज है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा लोहे का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिल अयस्क है, तो वेरिलियम का। यानी वेरिल अयस्क पूछा जाएगा तो वह वेरिलियम का अयस्क है। इसके बाद है, लेड सल्फाइड का सामान्य नाम है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ गैलेना। आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे गैलेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरोलुसाइट डॉट डॉट का खनिज है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का मैग्नीज का। इसके बाद पूछा जाएगा एल्मेनाइट अयस्क है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा टाइटेनियम का। इसके बाद पूछा जाएगा यूरेनाइट अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। इसके बाद से क्वेश्चन पूछा जाता है डॉट डॉट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा का प्रमुख अयस्क है गैलेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, अगर पूछा जाएगा मैग्नेटाइट का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो Fe3O4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा क्रायोलाइट, यानी क्रायोलाइट खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिक और नीलम ऑक्साइड होते हैं, आंसर हम लोग का हो जाएगा, आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम का। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला जो पदार्थ या मिश्र धातु नहीं है कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का तांबा, यानी तांबा जो है आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ की मिश्र धातु नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु होती है, तो आंसर हो जाएगा तांबा तथा टीन की। कांसा जो है मिश्र धातु होती है तांबा और टीन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर, यानी जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल डॉट डॉट युक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा तांबा तथा जस्ता। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीतल डॉट डॉट से बना होता है, तो आंसर हो जाएगा तांबा तथा जस्ता, वही दोनों क्वेश्चन एक ही है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा पारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें मूल धातु होती है पारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है, तो आंसर हो जाएगा तांबा जस्ता निकेल, तांबा जस्ता और निकेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्तनों को बनाने में उपयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे तांबा जस्ता तथा निकेल, वही क्वेश्चन है दोस्तों। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है, तो तांबा जस्ता निकेल, और बर्तनों को बनाने में उपयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो तांबा जस्ता और निकेल, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। इस तरह से दोस्तों आज हम लोग का 35 क्वेश्चन का साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा दोस्तों। इससे बिहार SSC BPSC आने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।